टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों पर पाकिस्तान से अवैध हथियार का काला कारोबार करने का आरोप लगाते हुए सनसनी मचा दी है। बता दें कि मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की 2013 में गौतम बुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र के रहने वाले अली अब्बास के साथ शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग एक पाकिस्तानी नागरिक अफसर अली के साथ मिलकर अवैध हथियार और असला बारूद का काला कारोबार करते हैं और वो पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में रहता है। साथ ही साथ इस पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के कागजात भी बनवा लिए। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस काले कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसे और उसकी दो मासूम बेटियों को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें उसके ससुराल पक्ष के कई लोग शामिल रहे। साथ ही साथ उसे एक बार रसोई घर के अंदर जलाया भी गया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गई। विवाहिता का आरोप है कि जब वो इस बात की शिकायत लेकर थाने गई तो वहां भी उसे ससुराल पक्ष के लोग लेकर पहुंच गए और उसे किसी तरह घर वापस लेकर आए और घर आने के बाद उसके ससुराल पक्ष के देवर जेठ के साथ साथ उस पाकिस्तानी नागरिक अफसर अली ने भी उसके साथ बलात्कार किया। आइए देखते हैं क्या बता रही है पीड़िता। मेरा नाम है शीबा रिजवी, मेरे पति का नाम है अली अब्बास रिजवी, मैं मवाना से हूँ बेटी, लेकिन मेरी ससुराल है गौतम बुद्ध नगर गाँव छोलस, जिला गौतम बुद्ध नगर की। मेरे साथ घटना हुई है रेप की, पाकिस्तानी ने बलात्कार करा है मेरा, मेरे देवरों के साथ मिलकर, मेरे ससुर सास सब इस घटना में, नंदोई सब इस घटना में शामिल हैं। मेरा पाकिस्तानी मेरे ससुराल वालों से, ससुर से, देवरों से सबसे हथियारों का काम करवाता है। वो ये चाहता है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। मुझे जब इस सूचना के बारे में पता चला तो मैंने उससे विरोध किया, मैं कहा ये सब काम गलत हो रहा है। तो पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, पाकिस्तानी का नाम है अफसर अली, वो इस में इंडिया में रह रहा है फर्जी आईडी के साथ, वो ये चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उसने मेरा रेप करके मेरे बच्चों को मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन लोगों ने, देवर ने, मेरे उस पाकिस्तानी ने मेरे साथ बार बार रेप किया, मुझे वहाँ बंदी बनाकर रखा गया ताकि इस घटना के बारे में मैं किसी को बताऊँ ना। फिर मैंने चुपके चोरी से अपने मम्मी पापा को कॉल किया, मेरे मम्मी पापा 100 नंबर पुलिस को लेकर वहाँ पर गए, फिर मुझे वहाँ के उस पास के थाने में, थाना जारचा में छोड़ दिया गया। जारचा थाने वालों ने वहाँ के प्रधान की वजह से मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं इंसाफ़ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ़ चाहिए। वो पाकिस्तानी आज भी हथियारों का काम कर रहा है खुलेआम और उसको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। मैं चाहती हूँ अरेस्ट हो जाए पाकिस्तानी अफसर अली, वो मेरे ससुराल वालों से हथियारों का काम करवा रहा है। वो लोग रात को हथियार लेकर कहीं जाते हैं और सुबह ही सुबह घर आ जाते हैं, उनका काम ही ये है रात को हथियार लेकर बाहर निकलना। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं सब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला उन्होंने मेरे रात को कमरे में घुस के मेरे साथ बार बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने इस बात के बारे में अपने पति को बताया, मेरे पति बाहर काम पे गए हुए थे सोफे के, मेरे पति से भी उन लोगों ने यही कहा कि अगर तू अपने पत्नी का साथ देगा तो तुझे भी जान से मार देंगे। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पास सर ने कहा, सर ने मुझसे ये कहा कि बाहर जाओ, पर्ची मिलेगी, हम मवाना थाने को ऑर्डर करते हैं, अब देखो क्या इंसाफ मिलता है मुझे या नहीं। कितने साल आपकी शादी? मेरी शादी को 9 साल हो गए, 9 साल तक सब कुछ सही था, जब से वो 3 साल से वो पाकिस्तानी मेरे ससुराल में आया है, जब से मेरे ससुराल वालों को उसने अपने अंडर में लिया है, उसने पाकिस्तानी ने मेरे ससुराल वालों को पैसों का लालच देकर हथियारों के काम में शामिल किया है। उसने ये चाहा कि पैसों का लालच दिया है मेरे ससुराल वालों को, मेरे ससुराल वाले पैसों के मोह में आकर उस पाकिस्तानी के साथ हो गए। वो पाकिस्तानी फिलहाल अब जारचा गांव में रहता है, गौतम बुद्ध नगर जिला जारचा गांव में रहता है, वो पाकिस्तानी के नाम से पूरे गांव में मशहूर है, उसको सब जानते हैं कि पाकिस्तान से आया हुआ है, मगर उसने फर्जी इंडिया की आईडी बनवा रखी है, अफसर अली नाम है उसका, उसका पूरा परिवार यहीं पर ही रहता है जारचा गाँव में, और मेरी शादी जो हुई है वो छोलस गाँव में हुई है, ज़िला गौतम बुद्ध नगर एक ही लगता है। मैं चाहती हूँ उसको पकड़ लिया जाए, मैं अपने मायके आए हुए हूँ, मुझे, मैं 1 साल पहले अपने मायके में आई थी, जब से मैंने ये घटना के बारे में हर जगह बताने की कोशिश की, आज मैं साहस जुटा पाई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर तूने कहीं पर भी कुछ बताया तो तेरे मम्मी पापा को तुझे जान से मार देंगे। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे उनका और अपना भी डर है, मेरे साथ बार बार बलात्कार हुआ, सब कुछ हुआ, क्या पुलिस इंसाफ के लिए नहीं बनी हुई है, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा।
इस बारे में एसपी देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र मवाना में अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला है शिवा जो अपने पति और ससुराल के लोगों के विरुद्ध दहेज संबंधी आरोप लगा रही है। उसका प्रार्थना पत्र भी है। पति का नाम अली अब्बास है। जो पति और ससुराल वाले हैं ये लोग मूल रूप से जारचा के रहने वाले हैं। महिला जो है वो मवाना की रहने वाली है। इसमें पूरे प्रकरण की जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो जो ललिता कुमारी जजमेंट है उसके हिसाब से पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक ये इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा भी घटना कारित की गई है। तो इसमें अभी तक की जो जांच में प्रथम दृष्टि बात निकल के आई है वो ये है कि जो महिला हैं सीबा इनकी जो देवरानी हैं उनके भाई उसका नाम है अफसर अली। अफसर अली के जो फादर थे वो 1989 में पाकिस्तान से एक महीने के वीज़ा पे आए थे और उसके बाद एक महीने बाद ही पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने यहाँ शादी की थी उनसे ये इनके बेटे अफसर अली हुए थे। इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था तब से इंडिया में ही रह रहे हैं। इसके अलावा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान से कोई वीज़ा पे अभी कोई व्यक्ति आया हो और उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इस पूरे प्रकरण में गहनता से जाँच कर जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए इसमें कुछ फ़ोटोज़ महिला के द्वारा दिए गए हैं जिसमें इसके देवर और जेठ कुछ असलहों के साथ हैं। इसकी वैधानिकता की फ़ोटोज़ कहाँ की हैं, किस जगह की हैं, ये अभी तक बात मेरठ की बात निकल के नहीं आई कि ये फ़ोटोज़ मेरठ की हैं। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर वैधानिक कार्रवाई की। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नज़र। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।